बलदी इंतखाबात का जो है ऐलान हो चुका है और हर पार्टी जो है ना अपने अपने हिसाब से जो है मैदान में अपने जो है मकसूद तैयारी और मैनिफेस्टो का ऐलान कर रही है। लेकिन इस मैनिफेस्टो के ऐलान के अंदर इस कदर हद से गुजर रहे हैं कि जो है पुराने शहर के ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक की बातें, सर्जिकल स्ट्राइक जो है जबकि पड़ोसी मुल्क को हुई थी तो लोग जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के माने क्या है और क्या है, किस कदर जो है ना एक ही मुल्क के अंदर रहने वाले, एक ही दस्तूर के मानने वाले, एक मुल्क के जो है शहीद जो है उन पर जो है मजहब की उसकी बुनियाद के ऊपर उनको अपना दुश्मन करार देना और उनके बारे में नफरत का चर्चा करना, ये जो है ना ये भी आपका ना हिंदुस्तान का दस्तूर इसकी इजाजत देता है ना कि जो है ना कि कोई जमहूरी तकाजे जो है ना इस बात की आपको इजाजत देते हैं। बहरहाल ये आपकी नादानी है, ये खुद जो है ना अपने खुदे हुए खाई के अंदर खुद गिर गए इसके अंदर। और फिर इस पर ये इस बलदी इंतखाबात इतनी अहमियत दी जा रही है कि सबसे बड़े जो है ओहदे पे फायज रहने वाले वो भी जो है ना यहाँ पर उसकी तारीख में आने के इम्कान जो है ना पैदा हो गए हैं। बहरहाल जहाँ तक पहले की वोट का जो ताल्लुक है और फिर आप हजरात अच्छी तरह वाकिफ हैं जो अल्लाह ने किस तरह किस माहौल में जो है ना आपकी किताब सरवर आलम जो है ना लिखी गई तो उसके ऊपर जो काफिरों का जो गैस वसब हुआ उसके बाद फिर जो है निज़ाम सरकार के पास में जो है उन्होंने मालूजा पेश किया कि जो है इस किताब को जो है बैन कर दिया जाए क्योंकि इसके अंदर गाय को सुबह करने का मकसद दिया गया है। मेरे हाल ये गाय की दूध को पकड़ कर जो मुसलमानों के अंदर जो अपने मुल्क के अंदर जो इख्तलाफात पैदा करके जो है एक तनाव की कैफियत जो पैदा करना चाह रहे हैं इसको हज़रतुल्लाह ने मजहबी किताबों के हवाले से जो है इस मसले का हल बता दिया है। और फिर उसके बाद में फिर जो है जब भी किताब के ऊपर इतराज़ हुआ तो जो अमूर मजहबी को जो है ना इस किताब को जो है ना रेफर किया गया, वहाँ पर भेजा गया, वहाँ पर लोगों ने बैठा उसके ऊपर गौर फिक्र किया और उसके बाद भी जो है उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई बात मौलाना सिद्दीक निज़ाम ने अपनी तरफ से नहीं लिखी है बल्कि किताबों के हवालों से इस बात को साबित किया है कि खुद गैर मुस्लिम कौमों के अंदर भी जो है कुर्बानी जो है दी जाती है उसका जो है आपकी जिक्र किया गया है। लेकिन जो है कम से कम जो है वो जो सुबह करने वाली तस्वीर है उसको हटा के जो नाम आएगा तो बहरहाल वहाँ पर उनको हल्की खानी पड़ी, इसका कोई मौला की लिखी हुई दलाइल को जो है नहीं तोड़ सके और फिर हुकूमत के लेवल पर भी जाने के बाद में किताब को वापस दे दिया और फिर इसी बुनियाद पर लोग जो है ना इकट्ठा होने लगे तो तब जो है तौहीद मंजिल हैदराबाद के बहुत बड़े नाम पर समाजी जो है ना आपके एतबार से नवाब साहब को फिर बासर शख्सियत थे उनके मकान पर आप तमाम जो है ना आपके फिरका है इस्लाम के जितने भी वहाँ हैदराबाद में रहने वाले हैं सबको आपने रजू किया और वहाँ पर जब आप सब लोग जमा हो गए तो जब तकलीफ के लिए कहा गया तो आपने इमाम का नाम आया तो उन्होंने कहा कि मौलाना आपने इस इजलास को तलब किया है हाफी जो है ना इसको आप खातिब करो हजरतुल्लाह जो है वहाँ पर आपने जो है आपके मालकत और आरा आपकी तकलीफ रही उसके बाद में फिर आपको फिर कहा है इस्लाम को इस्लाम के नाम पर जो है मुतहद होने के लिए आपने कहा और फिर उस जमात का आपने नाम इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन ये जो है उसकी तारीख है लोग जानते हैं और यहाँ तक जो है तहकीक करने वाले इस बात को जरूर महसूस करते हैं लिखते हैं कि जो है तौहीद मंजिल में जो है इजलास हुआ था लेकिन इजलास से कौन मुखातिब किए थे इसके बानी कौन है वहाँ से जो है सरफ नजर हो जाती है आगे बढ़ जाती है हकायक को तारीख अपनी जगह महफूज है इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल जो है कम्युनिस्ट एक बहुत बड़े जो है मजमून लिखने वाले उन्होंने भी जो है ना अपने तारीख मजामी के अंदर एक जगह लिखा था कि इस जमात का क्याम तबलीग इस्लाम के लिए हुआ था इस जगह तक तो नाम उन्होंने लिखा सही लेकिन किसने कायम किया था किसने नाम किया था वहाँ से वो सरफ नजर करते आते हैं आगे बढ़ जाते हैं। खैर बहरहाल अल्लाह वाले जो होते हैं वो अपने नाम व नमूद के लिए नहीं करते बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के दीन की जो है आबियारी के लिए अपना सब कुछ जो है लौटा देते हैं ना वो अपने नाम व नमूद के लिए कभी कोशिश नहीं करते कि इसमें मेरा नाम क्यों नहीं आया मैं इसका बारे में कभी आपने इसका जिक्र नहीं किया। बहरहाल ये हकीकत अपनी जगह है पर ये सोच समझ कर जो है आपको यहाँ पर जबकि मुसलमानों की अगर जमात अगर बनती है तो वो खिलाफ दस्तूर नहीं है इसको दस्तूर आपका जो है ना आपको इजाज़त देता है कि हर आदमी अपना जो है नजरियात के तरवीज के लिए उसकी जो है ना आपके प्रोपेगेंडे के लिए आप जमात कायम कर सकता है इंतखाबात कर सकता है तो ये जो है ना किसी मुस्लिम जमात को अगर किसी नुमाइंदे को अगर आप वोट दे रहे हैं तो इससे घबराने की बात नहीं है आपका दस्तूरी हक है आप जो है समझ के वोट करें और फिर यहाँ पर
हमेशा जो है जिस बात के लोग यहाँ से मुतलब होते हुए आए हैं और उनकी भी उम्मीदें हैं, और यहाँ पर खुद हमारे इस जमात के जो है मौजूदा सदर है, उन्होंने भी जो है बहुत आड़े वक्त के जमात के लिए बहुत कुछ काम किया है। एक मरतबा तो ऐसा बहुत आगे हालात ऐसे थे कि जो आप जल्द कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते, यहाँ पर सिंगल नहीं चला सकते, कोई आदमी बाहर नहीं दिखेगा और अपने अपने घरों में रहना, ऐसे जो हालत होगी नौजवान बच्चों के चेहरों पर जो है आपके मायूसी छाने लगी, ऐसे वक्त के तौर पर जो है बढ़ चढ़ कर जो है आपके हमारे पार्लियामेंट ने जो है बड़ा हिस्सा अपने आप अदा किया और फिर लोगों को जो है वहाँ के जो जिम्मेदार थे उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग इसका पटकने की जरूरत है, तो इस तरह जो है वो जलसा कामयाबी के साथ किनार हुआ। उसके बाद फिर ऐसे वाली नौबत नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और फिर ख़ास तौर से जो है खुद हैदराबाद के अंदर जब लॉकडाउन हुआ और फिर जो है हालिया में ना बारिश के मामले में जो हम लोगों ने मुसीबतें झेली, ऐसे वक्त के जो है इस जमात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और फिर लोगों के जो है ना बिला लिहाज का फिर मजहब मिला सब जो है ना आपके जरूरतमंदों को आप उन्होंने जो है आपके इमदाद की और अभी अपने अखबार गवाह हैं और तारीख और वक्त भी इसका गवाह है। बहरहाल ऐसे मौके पर आप जमात जो है ना इस बात का फैसला कर रही है, इसकी तरफ जो है आप लोग बाद नौजवान जो है किसी और तरफ भटकते नजर आ रहे हैं, इसमें इख्तलाफ की बात आती है, इस किस्म की बात को मत लिया करो कि जो है जो आज जो हमारे लिए काम के हो सकते हैं, और फिर जब पूरे जो है लोग जिनके कोई एक खुदा भी जिसका ईमान नहीं है जिनके अंदर जो है हर कदम पर जो है तफरता पड़ती है, वो लोग सिर्फ एंटी मुस्लिम होने के नाम पर जो है खिलाफ इस्लाम होने के नाम पर एक जगह जमा हो रहे हैं, तो आप लोगों की सफर में इतिहाद क्यों नहीं होगा, रस्सी को मजबूती से थाम लेते हो ताकि जो है ना आप लोगों के अंदर कुव्वत मुदाफियत हो, आप जो है दुश्मन का मुकाबला करने के लिए ना आपके अंदर सलाहियत पैदा हो। मेरे हाथ इन बातों से मैं गुजारिश आपके साथ ये कहता हूँ कि जो पहले जब हम जो है सफर भी यहाँ से जो है वोट जिसको जाते रहे हैं उसी जमात के लिए ना आप लोग अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह जो है कामयाबी आएगी और फिर लोग जो इस संकट महाज बना रहे हैं कि हम मुस्लिम जो है ना आपस में लड़ाने की जो बात कर रहे हैं उसको मिटाने का काम हजरत पंचायत की मार्च के जरिए से दिया है। ये सियासी लिहाज से लोग करते होंगे लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत तक कोई नहीं रह सकती, लेकिन हजरतुल्ला ने जिन मुस्लिमों को अपनाया है वो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है ना एक दूसरे के जो है ना अंदर से जहर को निकालने वाली जो है बातें हैं, जो इस नुस्खे को जो है आपने इस नुस्खे कीमिया को जो है आपने अपने मानने वालों को अपने चाहने वालों को आपने दिया है, ये हमारे पास एक ऐसा नुस्खे कीमिया है, इसी से जो है सारे न सिर्फ हैदराबाद न सिर्फ तेलंगाना न सिर्फ चुनौ भी है बल्कि पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी जो है जो है अमन और प्रेम भावनाएं पैदा कर सकते हैं, ऐसा नुस्खा हमारे पास में है और उसके सिवा जो है किसी और के पास में आपको ये बात नहीं है। तो मेरे हाथ जो है पंचायत की मार्ग एक ऐसा मामला है जिसकी बुनियाद का हुआ है ना अच्छे से अच्छे मुखालिफ इस्लाम को भी जान आपकी पूछी और उसके जो है ना फरमानबरदार बना सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मौलवी सलमान खान साहब अस्सलाम वो ज़माने का तेलुगु जो मुखातिब करते आए हैं उनकी हालत जो है नाजुक चल रही है, 127 में विजयवाड़ा में सेहत याबी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह से सेहत कामिला आजला आता है।